गणपति बप्पा मौर्य। गणपति भगवान का सूरत बहुत प्यारा, पर उस सूरत को हमने देख करके भी नकारा, इसलिए तो समझ नहीं पाए। हर एक मूरत में कुछ अर्थ छुपा है, आइए जानते हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू ले रहे हैं, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि गणपति और उनके वाहन का क्या संबंध है। गणपति भारी भरकम, बड़ी सी तौंद, अच्छा खासा हेल्दी शरीर है, और उनका वाहन चूहा, छोटा सा पिंदा सा, और वो हमेशा चरणों के पास ही रहता है, उसकी वो सवारी करते हैं। आप सभी ने चित्र देखे होंगे, आई होप एटलीस्ट इंडिया में जो रहते हैं उन सब ने तो ये चित्र देखे ही होंगे। इतना बड़ा गणेश फेस्टिवल चलता है, कैसे नहीं देखा होगा? नहीं देखा तो देख लेना, और तो कुछ नहीं कर सकते। तो गणपति इतने विशाल, इतना भारी भरकम शरीर, और चूहा इतना छोटा सा, अर्थ क्या है, भाव क्या है? गणपति सूचक है ज्ञान का, विवेक का, बुद्धिमत्ता का। गणपति सिंबलाइजेस इंटेलेक्ट, विजडम, नॉलेज। इसलिए ज्ञान इतना बड़ा, नॉलेज इतना ज्यादा, और चूहा फुदकता रहता है। पकड़ना हो तो पिंजरा लगाना पड़ता है रोटी लगा करके, कि कहीं भाग ना जाए। चूहा छोटा सा, चूहा क्या तुम्हारी इच्छाएं, चूहा क्या तुम्हारा मन, तुम्हारा मन भी तो भागता रहता है, यहां से वहां, वहां से यहां, वहां से यहां, यहां से यहां, यहां से वहां। पंजाबी च कहते ने टपोशिया मारद, टपोशिया उछलता रहता है। तो कहीं ना कहीं मेरे देखे ये चित्र ये सूचक करता है कि जैसे जैसे हे मानव तेरा नॉलेज, तेरा ज्ञान वृद्धि होगी, वैसे वैसे तेरा मन तेरे काबू में आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आंख खुलती है ज्ञान से, वैसे ही मन शांत हो जाता है। जैसे ही बुद्धि का कपाट खुलता है, वासनाओं का फैलाव सिमट जाता है। तो केवल गणपति को पूजना मत, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि को भी विकसित करने का प्रारंभ करना, ताकि तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, तुम्हारा जो मन है, जो इतना बड़ा हुआ पड़ा है, वो छोटा सा हो जाए। तुम्हारे जीवन का जो गणपति है, तुम कैसे गणपति हो जिसका चूहा इतना बड़ा है और गणपति दिख ही नहीं रहे? वो बेचारे छोटे से हो गए, चूहा इतना बड़ा हो गया तो चूहा तो खा जाएगा, कुतर जाता है चूहा, छोड़ता नहीं है कुछ भी। इसी तरह तुम्हारे मन की इच्छाएं, वासनाएं भी कुतर जाएंगी तुम्हारे जीवन को। तो उससे पहले कि ये वासनाएं तुम्हारे जीवन को कुतरें, तुम अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को इतना विशाल बना लो कि वो चूहे के समान छोटी सी हो जाए और तुम्हारे नियंत्रण में रहें। जैसे गणपति का वाहन, गणपति का चूहा भागता नहीं है, उसके ऊपर सवारी करते हैं, उसी तरह तुम्हारे भी मन की इच्छाओं के ऊपर तुम बैठ जाओ, तुम अपने मन के स्वामी बनो, मन के दास नहीं बनो। यही है गणपति के एक छोटे से ओवरव्यू आपके सामने मैंने रखा। गणपति महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मौर्या।